इतना बड़ा जो आयोजन किया गया है ब्राह्मण महासंगम के, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये ब्राह्मणों के लिए, हमारे वर्तमान के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे युवाओं के लिए, आज यहाँ जो चिंतन मनन मंथन हुआ, इससे जो हम सभी राजनीतिक पार्टियां हैं, इनके आज हमने इस पे विचार विमर्श का जो निचोड़ निकला, अपनी अपनी पार्टियों में, सरकारों में, अपनी बात, समाज की बात आगे तक पहुंचाएंगे। और पुरजोर शब्दों में, हम अपने अपने पार्टियों के अंदर, सरकारों के अंदर जो आज यहाँ मांग उठी है, उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। कुछ टाइम पहले ब्राह्मण महापंचायत भी हुई थी, आज ब्राह्मण महासंगम हो रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वहाँ पे भी यही मांग रखी गई थी। देखिए, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आजकल सरकारों में किसी में दिल नहीं होता, सरकारें सर गिनती है, तो जो सर गिनाने का काम ब्राह्मण समाज हर जिला, तहसील, ब्लॉक, संभाग, प्रदेश स्तर पर कर रहा है, इससे हमारे ब्राह्मणों की जो बात है वो सरकारें मानने को मजबूर होती हैं। इसी का आप परिणाम देख सकते हैं। राजस्थान में विप्र कल्याण बोर्ड बना ब्राह्मणों की जनसंख्या को देखते हुए, इसी के तहत EWS बोर्ड बना, इसी के तहत अभी वैदिक शिक्षा कल्याण बोर्ड जल्दी बनने वाला है। तो जब तक ऐसे कार्यक्रम होंगे, इसी से सरकारें जानेंगी। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या आप लोग संदेश देना चाहते हैं? आने वाले जो 2023 का जो चुनाव है, उसमें आपको क्या उम्मीद लग रही है, कितनी सीटें मिलने की उम्मीद है? देखिए, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी से संबद्धता रखता हूँ। मैं पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी का संगठन महासचिव भी रहा। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, मेरा दायित्व है, मैं समाज और सरकार और पार्टी के बीच में सेतु का काम करता हूँ। मेरी पार्टी कांग्रेस पार्टी में मैं पिछले बार से अधिक टिकट दिलाने की, मैं मेरे समाज के लिए वहाँ पुरजोर शब्दों में बात रखूँगा और अधिक से अधिक टिकट दिलाऊँगा। क्योंकि इस मंच पे कांग्रेस के लोग भी हैं, भाजपा के लोग भी हैं, अन्य पार्टी के लोग भी हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सबको साथ लेकर के चलना है। हमारे भाई को, बहन को, जिसको भी कोई अवसर मिलता है, कि एक एक जाति से, एक समाज से कभी भी हम नहीं जीत सकते। हम सब बटे नहीं, संगठित रहें, हम सुनियोजित तरीके से सभी समाजों को साथ लेकर के, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो विधानसभा में, लोकसभा में प्रतिनिधित्व बढ़ाने का काम करें। धन्यवाद।